हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं लेसन 1 टू 4 विद क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, वो क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ को देख सकता है और अपनी जो सोल्यूशन है वो भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चे आज हम करेंगे लेसन 5 की रीडिंग। तो जो भी बच्चा डेली रूटीन में वीडियोस को देख रहा है, भी प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, और अगर कोई परेशानी रह जाती है आपको, कोई समस्या आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हिंदी में आप इसको बोलोगे पदार्थों का पृथक्करण, मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं लेसन 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, पदार्थों को अलग अलग करना। इन अवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टांसेस वेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बींग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, हम बहुत से ऐसे पदार्थ और उनके मिश्रण को पृथक करते हुए अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी देखते हैं। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो सभी बच्चों ने देखा होगा, घर में जब चाय बनती है तो उसको इस तरीके से छालने से छाना जाता है। ठीक है, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि जो साइंस है वो हमारी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ठीक, तो आप उन चीज़ों को जब देखते हो, किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो और जब आप उसको बुक में पढ़ते हो, तो उसको रिलेट करने की कोशिश किया करो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ऐसे ही जब अनाज को क्या किया जाता है, डंडियों से अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, और मक्खन को भी दूध और दही से अलग किया जाता है, और ये आ जाएगा आपका चरण होता है मंथन करना। ठीक है, एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे रुई को बीजों से अलग किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, ओटना, गिनिंग करना। ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने जरूर पोहा और दलिया खाया होगा। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर इटिंग। अगर आपको उसमें चिल्ली दिखती है, ग्रीन चिल्ली दिखती है, तो आप उसको क्या करते हो, आराम से अलग कर देते हो अगर आपको वो नहीं खानी। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावास एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। अगर आपको मैंगो और गवावा की बास्केट दी और अगर आप उसे सेपरेट करने को बोला जाए, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड ऑफ प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट? तो आप क्या करोगे, एप्पल या फिर गवावा को किसी अलग कंटेनर में रख दोगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सीम्स इजी, बट वट इफ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो एंड गवावा। अगर हम ऐसी चीजों को अलग करना चाहते हैं जो बहुत ही साइज में छोटी हैं, तो उनको हम अलग कैसे करेंगे, वो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चे, इस तरीके से ये चीज सबने देखी होगी, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। ठीक है, ऐसे मक्खन को मंथन करके अलग किया जाता है दूध या फिर दही से। ठीक है, तो किस किस बच्चे ने ये चीज देखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक द सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स और सैंड बाय हैंड। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या हुआ, जो मिट्टी है वो बहुत ही स्मॉल साइज में है, तो उसको अलग कैसे करेंगे। अब इनके लिए हम इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको जब कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाए। एक्टिविटी फर्स्ट, इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्प्ड अप। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स आर यूज। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटांस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटांसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। ठीक है, द सब्सटांसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटीरियल्स। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सोलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटांस मिक्सड टूगेदर इफ दे सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग करते हैं, या तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो उन चीज़ों को अलग करते हैं, या फिर वो हमारे लिए नॉन यूजफुल हो उनको अलग कर देते हैं। लेकिन बहुत बार कैसा क्या होता है कि हमारे लिए दोनों चीज़ें यूजफुल होती हैं, लेकिन हमें फिर भी उनको क्या करना पड़ता है बच्चे, अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो जो ये चीज़ों को अलग करने की जो बात है, ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारे साथ साथ
चलती रहती है, ठीक है। तो अब भी ये कह रहा है लास्ट में कि उन चीजों को हम अलग कैसे करेंगे जो साइज में या तो बहुत ही छोटी हो या फिर उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, उनके लिए अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं लेसन में क्या बताया गया है। फर्स्ट है 5.1, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथककरण की विधियां। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। फर्स्ट है बच्चे हैंड पिकिंग, मतलब कि हस्त चयन विधि, जो सिर्फ हाथों से ही आप बिल्कुल इजीली चीजों को अलग अलग कर सकते हो, उसको बोलोगे आप हैंड पिकिंग मेथड या फिर हस्त चयन विधि। एक्टिविटी टू, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेनेट? आप क्या करो, एक अनाज का पैकेट खरीद के लेके आओ और उसको फिर क्लासरूम में किसी पेज के ऊपर फैलाओ और उसमें आप देखो कि उसमें आपको क्या क्या दिखता है। पत्थर के टुकड़े दिखेंगे, कुछ भूसा दिखेगा या फिर कुछ अन्य कण दिख जाएंगे, ठीक है। तो वो सब क्या होगा, उसके साथ मिक्स होगा। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो आप उनको इजिली सब चीजों को क्या कर सकते हो बच्चे, हाथ के द्वारा ही अलग कर सकते हो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस, ठीक है। तो इन सब में से भी क्या करते हो आप, घर पे जब आपकी मदर खाना बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, तो इसी तरीके से उसमें से कंकड़ पत्थर कुछ भी होते हैं तो उनको वो हाथों के द्वारा ही क्या कर लेती है बच्चे, अलग कर लेती है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। जब कम मात्रा में हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, तो उनको हम हस्त चयन विधि, हैंड पिकिंग मेथड से इजिली अलग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बच्चे थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने बंडल देखे होंगे गेहूं के या फिर चावल के, ठीक है, गट्ठर देखे होंगे। तो उनमें क्या किया जाता है, फिर थ्रेसिंग की हेल्प से उनके बीजों को अलग किया जाता है। सबने देखी होगी थ्रेसिंग मशीन। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, ठीक है। कितने सारे बीज उन बंडल्स के अंदर होंगे आप इमेजिन कर सकते हो। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। वन मे प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक बारी के लिए अगर आपको मैंगो और गुआवा के पौधों से उनको तोड़ने को बोला जाए तो आप तोड़ सकते हो, क्योंकि उनका साइज क्या है बच्चे, बिगर है देन ग्रेन। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टोक्स वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टोक्स? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टोक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से डंडियों से अन्न कणों को, मतलब कि अनाज को अलग किया जाता है, उस प्रक्रम को आप क्या बोलोगे बच्चे, थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टोक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन सीड्स। इसमें क्या किया जाता है कि डंडियों से पीट पीट कर अन्न कणों को उनसे, डंडियों से क्या किया जाता है बच्चे, पृथक किया जाता है, मतलब कि अलग किया जाता है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पीट पीट के, या फिर यहाँ अनाज को रख के, और डंडी से पीटने से भी क्या होगा, अनाज जो है वो अलग हो जाएगा। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, ठीक है। तो अन्न कणों को अब अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाने लगा है, ठीक है। थर्ड मेथड है बच्चे विनोइंग, इसको आप बोलोगे निष्पामन। एक्टिविटी थर्ड में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि निष्पामन मेथड क्या होता है, विनोइंग मेथड क्या है। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, ठीक है। कीप कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या कह रहा है बच्चे कि आप सूखा रेत या फिर लकड़ी का बुरादा, सूखी पत्तियां, पाउडर, इन सब का एक मिश्रण बना लीजिए, ठीक है, और फिर इसको किसी न्यूज़पेपर के ऊपर फैला लीजिए। अब आप ध्यान से देखो कि आप उस सूखे बुरादे को, मिट्टी को अलग कर सकते हो अपने हाथों से? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ही महीन है, बारीक है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड ऑन ए रेज्ड प्लॉट प्लेटफॉर्म, बट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और ए शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, ठीक है, टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली।
व्हाट हैपन्स डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड स्टार डस्ट फॉल द सेम प्लेस? जो हल्के पदार्थ हैं जैसे कि सैंड और स्टार डस्ट, वो क्या हो जाएंगे बच्चे? एक ही प्लेस पे जाके गिरेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? और कुछ कंपोनेंट जैसे कि भूसा अगर उसके अंदर होगा, सूखी पत्तियां होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? थोड़ी आगे जाके इकट्ठी हो जाएंगी। डिड द विंड मैनेज द सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो क्या हो रहा है? वो हवा के कारण, ठीक है, जो हल्के पदार्थ हैं वो थोड़े ज्यादा दूर गिरेंगे, जो ज्यादा हल्के पदार्थ हैं वो ज्यादा दूर गिरेंगे, जो थोड़े हल्के पदार्थ हैं वो वहीं पे गिर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और इसी मेथड को आप क्या बोलते हो? विनोइंग निष्पावन। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो जो ये विनोइंग है, इसकी हेल्प से आप हैवी कॉम्पोनेंट अगर आपके पास है और एक लाइट कॉम्पोनेंट है और उनका मिक्सचर आपको अलग करना है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से आप सभी चीजों का मिक्सचर इधर लेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी हवा है उस डायरेक्शन में आप ऐसे खड़े होंगे। इधर देखिए, जब आप इसको फैलाएंगे तो ये भूसा इधर आ जाएगा, जो ग्रेन है वो सबसे भारी है तो वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। सब बच्चों ने अपनी मदर को ऐसे करते हुए देखा होगा। ये है आपका विनोइंग मेथड, निष्पावन विधि। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ठीक है, मतलब भूसे को और अनाज को अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। ठीक है, तो दोनों हैवियर और लाइटर होने की वजह से वो अलग अलग जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फोडर फॉर कैटल्स। ठीक है, और जो भूसा है वो किसके लिए यूज किया जाता है? फिर पशुओं के चारे के लिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया विनोइंग मेथड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब चीजें आप डेली रूटीन में अपने घर पे जरूर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड बताया गया है बच्चे सीविंग, और हिंदी में आप इसको बोलोगे चालन विधि। ठीक है, स्विंग मेथड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर। ठीक है, हम आटे के साथ कभी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हम क्या करते हैं? ब्रान होता है बच्चे चोकर, या फिर कोई भी उसके अंदर इम्प्योरिटी है तो उसको अलग करेंगे पहले। वट डू वी डू, हम क्या करते हैं उसके लिए? वी यूज ए सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। हम किसका यूज करते हैं? एक छलनी का उपयोग करते हैं और उसको क्या करते हैं? छानते हैं। सीविंग अलोज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट एंड होल्स टू द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन इट। उसमें से क्या हो जाता है? आटा छन के नीचे चला जाता है, और अगर कोई बिगर साइज का पार्टिकल है तो वो छलनी के ऊपर रह जाता है। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो ऐसे ही क्या किया जाता है? आटे में मिली हुई अशुद्धियों को दूर किया जाता है। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव। ठीक है, एक तिरछी छलनी, मतलब अगर बहुत ज्यादा आपको अलग करना है आटे में से इम्प्योरिटीज, तो एक तिरछी छलनी का उपयोग भी इसमें, बड़े साइज की छलनी का उपयोग भी किया जाता है। द सीविंग रिमूव पीसीज ऑफ स्टोन स्टोक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। फिर भी कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो आटे के अंदर रह जाते हैं, जो हम क्या करते हैं जब आटे से कुछ बनाते हैं तब उसको क्या करते हैं बच्चे? रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप छलनी लेंगे और इसमें जब आप आटे को छानेंगे तो नीचे प्योर आटा छन जाएगा और ऊपर क्या रह जाएंगे बच्चे? इम्प्योरिटीज। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सीविंग या फिर चालन विधि। दिस मेथड मे बी यूज्ड फॉर सीविंग बींग्स यूज एज कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। तो वहां पर क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कंकड़ और पत्थर को सीमेंट से अलग करने के लिए भी इस विधि का क्या किया जाता है बच्चे? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मेथड गिवन है वो है बच्चे सेडिमेंशन, इसको बोलेंगे आप अवसादन, डिसेंटेशन, निस्तारण एंड फिल्ट्रेशन को आप बोलेंगे निस्यंदन। ठीक है, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। इन दोनों विधियों से कई बार क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सिस। क्या होता है कि दालों में और चावल में क्या होता है बच्चे? कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो क्या होती है? चिपकी होती हैं लाइक डस्ट। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग? तो कैसे उनको पकाने से पहले हम अलग करेंगे? राइस और पल्सेज आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। उनको पहले क्या किया जाता है बच्चे? धोया जाता है। वेन यू आर यू एड वॉटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स।
गेट सेपरेटेड, जब आप उनको वॉश करते हो तो वो इम्प्योरिटीज उनसे सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वॉटर, अब वो किस में चली गई हैं, पानी में। नाउ वट विल बी सिंक द बॉटम ऑफ द वेसल, तो अब पानी के नीचे स्तर पर क्या देखेंगे, राइस और डस्ट, तो क्या देखेंगे, डस्ट। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टाइटल्ड टू पोर आउट द डर्टी वॉटर, ठीक है। तो नीचे हम क्या देखते हैं, राइस हो जाते हैं हमारे, और ऊपर उसके ऊपर क्या हो जाती है बच्चे, डस्ट आ जाती है। वेन द हैवियर कॉम्पोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वॉटर इज एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेशन। तो किसी भी मिक्सचर को पानी में मिलाने पर जब हैवियर जो आपका कंपोनेंट होता है उसका नीचे तली में बैठ जाना, इस प्रक्रम को आप क्या बोलोगे, सेडिमेशन, अवसादन, ठीक है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन। उसको आप क्या बोलोगे, जब कुछ टाइम तक आप उसको बिना हिलाए रखते हो तो उसको आप बोलोगे फिर निस्तारण। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेशन एंड डिसेंशन। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स एंड डू दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। यही सेम जो आपका सिद्धांत है वो किसमें यूज किया जाएगा, ऐसे द्रवों को, ऐसे लिक्विड्स को अलग करने में यूज किया जाएगा जो एक दूसरे में क्या नहीं होते, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फ्रॉम टू सेपरेट लेयर्स, ठीक है, दो सेपरेट लेयर्स उनकी बन जाएंगी, वन वाटर की और एक ऑयल की। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिसेंशन। लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स, यूजली वी यूज टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ट्राई डिसेंशन, इट हेल्प्स ए लिटल, बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और जब सारी पत्तियां आपकी छन के किस में आ जाएंगी बच्चे, छलनी में आ जाएंगी, इस प्रोसेस को आप बोलोगे फिल्ट्रेशन या फिर निस्संदन, फिल्टर करना, ठीक है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, ये आपको बताना है कि आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा है, फिल्ट्रेशन या फिर निस्संदन। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें हमेशा अच्छा पानी पीने को मिलता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, कभी कभी क्या होता है वो बहुत ही गंदा पानी होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स मे ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद जो पानी आता है वो कैसा होता है, मटमैला सा होता है, ठीक है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर। तो क्या अब हम पानी से इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं, ये हम देखेंगे एक्टिविटी फिफ्थ की हेल्प से। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर, इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सोइल टू वाटर इन ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई वट यू कॉल दिस प्रोसेस। आप क्या करोगे कि एक या तो पॉन्ड से पानी लोगे, रिवर से लोगे, अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप एक ग्लास के अंदर सैंड को मिक्स कर दोगे, उस टाइम उसको बिना हिलाए रखोगे तो आप देखोगे कि जो बॉटम में है आपकी मिट्टी नीचे आ गई है और पानी ऊपर आ गया है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वॉटर, लेट द वॉटर फ्रॉम द टॉप फ्लो एंड अनदर ग्लास। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा टिल्ट करोगे, थोड़ा सा उसको ग्लास को झुकाओगे और दूसरे ग्लास में पानी को ऊपर से निकालोगे और नीचे जो मिट्टी है वो बच जाएगी। इज द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो क्या आपने जो दूसरे ग्लास में वाटर लिया है वो बिल्कुल साफ है या फिर हल्का ब्राउन मडी टाइप का आपको अभी भी दिख रहा है। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स, दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर, ठीक है। तो जो आप क्या लेंगे, कपड़े का टुकड़ा लेंगे और उससे फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। इफ द वॉटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉल पोर्स। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट, शोज द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज मिक्सड इन टू ए फनल, द मिक्सचर इज देन पोर्ड इन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू द इट एंड रिमेन टू द फिल्टर, ठीक है। तो आप फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करने के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाएंगी और इससे छन के पानी जो है साफ पानी नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से आप फिल्टर पेपर को यूज करेंगे, फिर ऐसे छलनी के ऊपर उसको रखेंगे, छानेंगे, तो यहाँ आपका जो पानी है वो बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा।
Fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. ठीक है, the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. मतलब कि पनीर बनाने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर रेडी टू मिल्क एज इट बॉइल्स. ठीक है, जब दूध गर्म होता है तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दी जाती है. दिस गिवज ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रो ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर. ठीक है, इस तरीके से घर पे पनीर बनाया जाता है और उसमें भी किसकी हेल्प ली जाती है, फिल्ट्रेशन की. नेक्स्ट जो मेथड आपको गिवन है बच्चे, वो है वाष्पन इवोपोरेशन. हिंदी में बोलोगे आप इसको वाष्पन. एक्टिविटी 6 के हेल्प से हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टेयर इट वेल. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टेयरिंग? हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर. लेट द वाटर बॉइल अवे वट इज लेफ्ट इन द बीकर. अगर आप एक बीकर लेंगे उसमें 2-3 स्पून क्या करेंगे, सोल्ट के ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर देंगे, तब क्या होगा, आपको सोल्ट उसके अंदर नहीं दिखेगा. फिर आप बीकर को क्या करेंगे, एक गर्म करने के लिए रख देंगे. इन द एक्टिविटी वी यूज टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट. तो जब आप उसको बहुत ज्यादा देर तक क्या करेंगे बच्चे, गर्म करेंगे, तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा. मतलब कि वाष्पन विधि से क्या हो जाएगा, हम जल को और नमक को अलग कर लेंगे. ठीक है, नीचे आपको बीकर में क्या मिल जाएगा, फिर नमक. और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इवोपोरेशन. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. तो सेपरेशन को अलग करने की और भी विधियां कुछ आपको गिवन है. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर. इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स. ठीक है, हम किसी एक मेथड से चीजों को अलग नहीं कर सकते. जिस तरह की हमें चीजों को अलग करना है तो उसके लिए हमें मेथड भी क्या चाहिए, अलग चाहिए. एक्टिविटी 7, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए पार्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज. कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड एड सम वॉटर टू इट. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन. वट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? डू यू थिंक दिस वॉटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वॉटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड. ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज द लिड. हीट द कैटल फॉर सम टाइम. डू यू नोटिस स्टीम कंटेनिंग कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? ठीक है, आपको क्या होगा, हीट जो कैटल है उससे बाहर आती हुई दिखेगी, किटली से बाहर आपको हीट दिखेगी. टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. एक मेटल प्लेट लेंगे, उसके ऊपर आप बर्फ के कुछ पीसेज रखेंगे. होल्ड द प्लेट जस्ट अबोव द स्पाउट ऑफ द कैटल. वट डू यू ऑब्जर्व? लेट अस द वॉटर इन द कैटल बॉयल ऑफ. वेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर. तो किसमें चेंज हो जाएंगे, जो बाफ बाहर आ रही थी वो अब वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फेलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इन टू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, इसी को आप क्या बोलोगे, संघनन. हिंदी में क्या बोलोगे बच्चे, संघनन. जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, संघनन, कंडेंसेशन. डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड वाटर अंडर ए प्लेट दैट हैज बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड? आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? वी हैव द सेपरेटेड साल्ट सैंड एंड वाटर using processes of descentration, filtration, evaporation and condensation. Tahili faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a... ये देखो, condensation का process इस तरीके से आप करेंगे. ये किटली है, यहाँ से जब बाफ आएगी, आपने मेटल प्लेट ली, इसके अंदर क्या रखा आपने, आइस रखी. जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, एकदम से ठंडी और वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएंगी, यहाँ आपके बीकर में इकट्ठी हो जाएंगी. नाउ एक्टिविटी 8, इसमें आपको गिवन है एक वर्ड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बच्चे संतृप्त विलयन. जब तक आप किसी भी चीज में कुछ भी मिक्स करते हो, मतलब कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. अगर आप मान लीजिए, आपको एक्टिविटी में बताया गया है कि आप एक वाटर ऑफ ग्लास ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसके अंदर आप साल्ट या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे कि शुगर भी आप ले सकते हैं, उसको आप ऐड करते रहेंगे तो एक लिमिट आ जाएगी, एक पीक वैल्यू आ जाएगी जब आपकी साल्ट या फिर शुगर उसमें मिक्स नहीं होगी. ठीक है, तो वो जो पॉइंट आएगा उसको आप बोलोगे सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन, ठीक है, जब उसमें और अधिक मात्रा में शुगर और साल्ट को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्टिविटी 9 में आपको बताया गया है कि अगर आप उस वाटर को थोड़ा सा क्या कर लेते हो, हीट दे देते हो, थोड़ा सा उसको गर्म कर लेते हो, तो कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी और आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि गर्म अगर हम वाटर कर लेते हैं तो उसमें कुछ एक मात्रा में हम साल्ट या फिर शुगर और भी ज़्यादा एड ऑन कर सकते हैं ठंडे की बजाय, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका चैप्टर 5, जिसके एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए और नेक्स्ट और भी ज़्यादा चैप्टर्स आप मेरे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कीजिए और अपनी समस्या के लिए, क्वेरी के लिए एक कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।